दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है PAR 6200, राइट। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, तो इसमें हम ऑयल का एनालिसिस करते हैं, कोल का एनालिसिस करते हैं, और जो चावल का रहता है जिसे राइस मिल से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अलग करने के बाद जो बचता है वेस्ट पार्टिकल, उसको हम क्या करते हैं, इससे हम एनालिसिस करते हैं, जिसको हम चलती फिरती भाषा में क्या बोलते हैं, इसको भूसा बोलते हैं। जो चावल से जो पार्ट रिलीव अलग हुआ है, ठीक, उसको भी हम क्या करते हैं, इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे हैं, जैसे जैसा जिसका उपयोग रहता है वैसे उसका यूज करते हैं, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एनालिसिस करते हैं। तो ये PAR 6200 बहुत ही अच्छा मशीन है, ऑटोमेटिक है, राइट। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको हम बताएंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई भी लेब में जॉब करने चाहते हैं या आप कहीं कोल इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, तो सबसे पहला हम इसका रूल का पता करेंगे कि इसमें आखिर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ करने के लिए क्या होता है, एक रूल रहता है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसका रूल हो जाएगा, फिर इसको इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं पूरा बताऊंगा, ठीक। फिर हम लास्ट में इसका प्रिकॉशन बताएंगे। तो मेनली 3 टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, और 3 टॉपिक आपको पढ़ के यकीन मानिए पूरा PAR 6200 का फुल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हो, उसके बाद आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, रूल। रूल भी क्या दिया है, ASTM, याद रखिएगा, ASTM D5865, ये हमारा एक क्या है, रूल दिया हुआ, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, PAR 6200 को हम ऑपरेट करते हैं। किसके पर्पज से, तो कोल एनालिसिस के पर्पज से। ये वीडियो प्योरली कोल एनालिसिस के पर्पज से बनाया जा रहा है, कोल एनालिसिस के पर्पज से है ना। इस पर आई डी कर रहे ना, तो और दूसरा हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, केवल कोल एनालिसिस का बताएंगे। क्योंकि अभी क्या है, कोल एनालिसिस के लिए ही हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, तो उसी के पर्पज से हम बना रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, रूल। रूल के बारे में बता रहे हैं, तो ASTM D5865, इसका मतलब क्या होता है, ये अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग फॉर मटेरियल में डी हमारे पास क्या हो जाएगा, चैप्टर है, और 5865 ये आपको गूगल में मिलेगा, बट इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। मेरे को पढ़ना था इसलिए मैं इसका चार्ज पे करके लिया हूँ, ठीक है। अब आपको मैं बता दूंगा तो आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, राइट। पूरा टेस्ट प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको आखिर कौन सा सैंपल का टेस्ट कैसे करना है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आप कोई भी कोल का एनालिसिस कर पाओगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला तो रूल हो जाएगा, राइट। और हम यूज किसका कर रहे हैं, तो PAR 6200 का, राइट, जो कि क्या है, एक बम कैलोरीमीटर के इस के रूप में हम जानते हैं आम बोलचाल में, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, राइट। बम कैलोरीमीटर में हम एक कोल एनालिसिस के लिए हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, तो हम किस मशीन का यूज किए हैं, PAR 6200, ठीक है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमको अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ने वाले हैं। जैसे हमको क्या की जरूरत पड़ेगा, हमको सबसे पहला ये खुद मशीन की जरूरत पड़ेगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, मशीन की जरूरत पड़ेगा, PAR 6200 मशीन की जरूरत पड़ेगा। दूसरा हमको क्या लगेगा, बम की रहेगा, बम, ठीक है। बम हमको कितना लगेगा, 2 लगेगा मिनिमम। आपको बम, आप कोई भी जिसी भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको 2 बम के साथ चलना है, ठीक है। एक बम नीचे रहेगा, आप क्या रहेगा, रन करते रहेगा, तब तक दूसरा बम को आपको प्रिपेयर करना है, राइट। ये बम के अंदर होता है बम हेड। जब मैं एक एक एनालिसिस आपको बताते जाऊंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं केवल रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि आखिर हमको PAR 6200 को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद हमारे पास ये गैस हो जाएगा, गैस में क्या क्या लगेगा, तो गैस में ऑक्सीजन लगेगा और नाइट्रोजन लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन किस लिए लगता है, ऑक्सीजन कोयले को जलाएगा, या आपको किसी भी, आप देखिए कि जलाने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगता है, राइट। अब नाइट्रोजन का काम क्या है, ये प्रेशर देता है, एक इंडिविजुअल प्रेशर में क्या करता है, वो ऑक्सीजन को भेजता है ताकि वो वहाँ से सैंपल को जला सके, राइट। तो इसलिए हमको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है। नाइट्रोजन का जरूरत क्यों पड़ता है, तो प्रेशर के लिए। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ता है, तो जलाने के लिए, राइट। ये हमारे गैस की बात हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या लगेगा, वाटर हैंडलिंग सिस्टम,
वाटर हैंडलिंग सिस्टम अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अगर है तो बहुत ही अच्छा बात है, राइट, क्योंकि क्या है वो उससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो वाटर हैंडलिंग सिस्टम मान लो 6510 या 6570, ये दो प्रकार का अलग अलग आपके पास मॉडल का नंबर आएगा, राइट। मशीन का अलग अलग है, वो भी पार का ही रहता है, ठीक है। अगर आप पूरा परचेज करना चाहते हैं तो इसके साथ मिल जाएगा, अगर अलग से परचेज करना चाहते हैं तो भी वो सेपरेट आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हैंडलिंग सिस्टम। फिर उसमें क्या लगेगा, क्रूसिबल, राइट, क्रूसिबल लगने वाला है। अब इस क्रूसिबल, कौन सा क्रूसिबल लगेगा इसको भी याद रखिएगा, आप कोई भी क्रूसिबल इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो CCS याद रखिएगा, इस क्रूसिबल का क्या नाम है, CCS, इसका मतलब क्या होता है, ये CCS का मतलब क्या होता है, कम्बसन, इसका मतलब क्या होता है, कम्बसन, याद रखिएगा, कम्बसन कैप्सूल, इसको कैप्सूल बोलेंगे, कैप्सूल स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये क्रूसिबल हमको जरूरत पड़ने वाला है, राइट। इसको एकदम हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या करते हैं, कूल करते हैं, फिर ये यूज करने के लायक होता है। जब ये स्टार्ट में, जब नया क्रूसिबल यूज करोगे तब के कंडीशन में, अगर एक बार इसको हाई टेम्परेचर में आप उसको मॉडिफाई कर लिए, यूज कर लिए, उसके बाद इसको बार बार नहीं करना है, केवल एक बार करना है, तो इस क्रूसिबल का नाम क्या हो जाएगा, कम्बसन कैप्सूल स्टेनलेस स्टील, इसका नाम है, राइट, इसको आपको याद रखना है। फिर इसमें लगेगा कॉटन थ्रेड, इसमें क्या लगने वाला है, कॉटन थ्रेड। फिर आपको इग्निशियन वायर, इग्निशियन वायर, राइट। फिर आपको लगेगा C6H5, COOH, इसका नाम क्या है, C6H5 COOH, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, राइट, रखिएगा, बेंजोइक एसिड, राइट, ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा हमको, प्रिंटर लगेगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं बता रहा हूँ, प्रिंटर लगेगा, वेट मशीन लगेगा, है ना, और आपको क्या लग जाएगा, इतना तो मेन है, ठीक है, और आगे आएगा तो बताते जाएंगे, ठीक है। इतना आपको रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। तो सबसे पहले हमको PAR 6200 चाहिए, फिर उसके बाद हमको बम चाहिए, बम वो भी दो चाहिए, राइट, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट दो का होता है, और जनरली हर लेग में दो बम आपको मिल ही जाएगा। फिर हमको क्या यूज करना है, वाटर हैंडलिंग सिस्टम, ये भी एक पार का अलग मशीन आता है, इसमें क्या होता है, वाटर का सप्लाई होता है, राइट। अगर ये नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बकेट से पानी उसमें बम मशीन में डालना पड़ेगा, अगर ये है तो हमको क्या कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक वो फिल कर लेगा, राइट, अगर नहीं है तो भी काम चलेगा, है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सुविधा का होना बहुत अच्छी बात है, सुविधा का ना होना कोई बहुत बड़ी वो नहीं रहता है, अगर जितना ज़्यादा आपको सुविधा मिलेगा उतना ज़्यादा आगे हेल्प होगा, राइट। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, क्रूसिबल होगा, क्रूसिबल को बता ही दिए कौन सा क्रूसिबल, ठीक है, कम्बसन कैप्सूल स्टेनलेस स्टील, राइट, ये रहेगा। फिर आपको क्या लगने वाला है, अच्छा गैस भी लगने वाला है, गैस रहेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कॉटन थ्रेड रहेगा, याद रखिएगा, कॉटन थ्रेड का आपका लंबाई कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर, कॉटन थ्रेड लेना है, लेकिन कितना लेना है, तो 10 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, राइट। फिर इग्निशियन वायर लगेगा, इग्निशियन वायर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास रहता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को हम क्या करते हैं, इसे हम कैलिब्रेट करते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास प्रिंटर रहता है और वेट मशीन रहता है, वेट मशीन से क्या करते हैं, सैंपल का वेट लेते हैं, बस, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, ये क्योंकि ये विजुअल होता है, आपको कोई भी लेब में जाओगे ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा, हो सकता है कई लोग इसके बारे में जानते रहे होंगे, हो सकता है कई लोग इसके बारे में नए होंगे, राइट, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब इक्वल हो जाओगे, राइट, क्योंकि क्या है, हम एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। टीचर एक वही होता है जो आसान भाषा में समझा दे, मैं अपना एजुकेशन किया हूँ वो कौन से लैंग्वेज में किया हूँ वो मायने नहीं रखता, बट मैं आपको कौन से लैंग्वेज में समझा सकता हूँ आपके हिसाब से, वही एक अच्छा टीचर होता है, राइट, ठीक है। तो ये सब बाद में, ठीक। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सब मशीन का बटन को ऑन करना होगा, राइट। थोड़ा सा एक मोटा मोटी मैं क्या बना देता हूँ, इसका डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, PAR 6200,
ये हमारा मशीन का नाम है, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ये हमारा क्या होता है, जहाँ हम बम को असेंबल करना है, राइट। अब जस्ट इसके पीछे में क्या होता है हमारे पास, ये अगर 3D का मैं क्या बना दे रहा हूँ, इसका पीछे का पोर्शन बना दे रहा हूँ, राइट, ताकि आपको दोनों को समझने में आसानी हो, आप इसका फोटो बाजू में देख सकते हो, राइट। इसमें एक छोटा सा क्या रहता है, यहाँ पे इसका स्विच रहता है, बटन रहता है, राइट। इसको बटन को क्या करना है, आपको ऑन करना है, और यहाँ नीचे में रिंस टैंक रहता है, रिंस टैंक आपको विजुअल दिख जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, बाहर से पानी भरना है, पानी हमेशा यूज करना है डिस्टिल वाटर, याद रखिएगा। इस एनालिसिस के लिए आपको डिस्टिल वाटर यूज करना है, टेप वाटर कहीं यूज नहीं करना है, राइट, हमेशा डिस्टिल वाटर यूज करना है। तो इस मशीन में हम क्या डाले हैं, अनुमानित थोड़ा सा आपको टच जैसे डाल दिए, तो थोड़ा सा आप उंगली डालेंगे, फिंगर डालेंगे, तो आपको टच महसूस हो जाएगा कि पानी डला हुआ है, राइट, उतना डालना है आपको। तो इसमें क्या कर दिए, बाहर से हम पानी डाल दिए, ये इसका सामने का पोर्शन है, ये इसके बाहर का पोर्शन है, यहाँ आपको बटन रहेगा मिल जाएगा, आई रहेगा मतलब चालू रहेगा, और ऑफ लिखा रहता है, तो बटन को बंद चालू करना है, चालू करते हैं तो पूरा मशीन डिस्प्ले ऑन हो जाता है, राइट। चालू करते हैं तो हमको क्या क्या चालू करना है, कैलोरीमीटर को चालू करना है, प्रिंटर को, वेट मशीन को, ऑक्सीजन सिलेंडर को, नाइट्रोजन सिलेंडर को। ऑक्सीजन को आपको चालू करना है किसमें, ऑक्सीजन सिलेंडर में आपके पास दो क्या रहेगा, प्रेशर का वो रहेगा, ठीक है। इसको आपको 450 PSI, याद रखिएगा PIS, इसमें आपको इसको स्टार्ट करना है, इतना प्रेशर आपको वहाँ पे रहना चाहिए, राइट। इतना अगर रहेगा तो आपके पास वो सही है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर में ये रहता है, ये पूरा पाइप एक दूसरे में क्या रहता है, फिट रहता है। तो ऑक्सीजन को आपको स्टार्ट करना है कितने में, 450 PAIS में। अभी मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, केवल मशीन को हम ऑन करवा रहे हैं, याद रखिएगा, हम केवल क्या कर रहे हैं, मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी केवल ऑन किए हैं, पहले रिक्वायरमेंट बता दिए, फिर मशीन को ऑन कैसे करना है ये बता रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R6200 का ये हमारे पास मशीन है, जिसको हम पानी भर दिए, चालू कर दिए, चालू करने के बाद हम दूसरी तरफ गए, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन को हम चालू कर दिए, प्रिंटर को चालू कर दिए, वेट मशीन को चालू कर दिए, वाटर हैंडलिंग सिस्टम को चालू कर दिए, लगभग हमारे पास सब मशीन जितना यूज करना है सब चालू हो गया, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको 20 मिनट रुकना है, ताकि हमारे पास दो टेम्परेचर होता है, जैकेट का, बैकेट का, ये प्योरली आइसोपेरिबल है, ये PAR6200 क्या होता है, प्योरली आइसोपेरिबल होता है, जिसमें क्या होता है, आइसोपेरिबल का मतलब क्या होता है, इसमें जैकेट का वेट, जैकेट का टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, और बकेट का टेम्परेचर अप डाउन होता है, राइट, देखिएगा। आइसोपेरिबल का मतलब क्या होता है, इसमें जो जैकेट यूज है वो क्या होता है, टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है, मतलब फिक्स रहता है, और बकेट का टेम्परेचर क्या होता है, बदलते रहता है, राइट। अब इसमें क्या होता है, जैकेट का टेम्परेचर 0.5 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक के है, तब आप एनालिसिस स्टार्ट करोगे। अब जैकेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, क्या होता है, जनरली आप घरों में खाना बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं तो क्या होता है, एक टिन रहता है, टिन को सब जानते हैं, या कुकर, ठीक है, कुकर के अंदर पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, तो जब पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म होगा तो उसका इन्वायरमेंट भी क्या होगा, जो क्या है, कुकर का जो दीवार है, दीवार भी क्या हो जाएगा, गर्म होगा। लेकिन आपके घर का दीवार क्या गर्म होगा, जो किचन में आपका घर का दीवार है वो नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेट है, क्योंकि वो आइसोपेरिबल है, याद रखिएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को, जो हम गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे, बम को उसमें फायर करवाएंगे, तो जो पानी भरा रहेगा वो गर्म होगा, गर्म होने से क्या होता है, वो बकेट, जो बाल्टी घर में यूज करते हो, बाल्टी वो क्या हो, गर्म होगा। बट जैकेट क्या बोल सकते हैं, जैकेट आप घर की कोई रसोई घर में जहाँ आप खाना पका रहे हैं, तो उसका दीवाल दूर रहेगा, ऐसा नहीं है कि दीवाल में चिपका दिए फिर खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा दूर में रहता है वो, तो एक नियर टेम्परेचर में ही गर्म होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट रहता है, जैसे मैं खाना बनाना स्टार्ट किया तो मेरा 30 सेंटीग्रेड क्या है, वो टेम्परेचर है, अब मैं खाना बनाना बंद कर रहा हूँ तो भी उतना उसका टेम्परेचर रहेगा, बट जो जैकेट है या हमारे कुकर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, याद रखिएगा। ये इस प्रकार से इसका होता है, आइसोपेरिबल का ये कहानी हो जाएगा, राइट। अगर ज़्यादा स्पीड हो जा रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके देखिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दैनिक जीवन में जो यूज होता है उसके माध्यम से बता के आपको क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं इसको और अलग लैंग्वेज में समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे जैकेट और बकेट का कहानी को, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, जैकेट और बकेट का जब टेम्परेचर आ गया, तब आपको क्या करना है, मशीन को स्टार्ट करना है। जब मशीन को स्टार्ट करते हैं तो इसमें डिस्प्ले में आता है, इस डिस्प्ले में क्या आता है, इसमें आता है ऑपरेटिंग मोड,
हम क्या किए हैं, सबसे पहले मेन मेनू में जाते हैं। मेन मेनू में जाने के बाद क्या करते हैं, ऑपरेटिंग मोड में आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग मोड में आते हैं तो इसमें क्या होता है, दो रहता है, स्टैंडर्डाइजेशन और डिटर्मिनेशन। ठीक, ऑपरेटिंग मोड में जाते हैं तो दो चीज़ हमको मिलता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन एक डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कैलिब्रेट करना है फिर स्टैंडर्डाइजेशन करना है। देखो आप कैलिब्रेट और स्टैंडर्डाइजेशन हर चीज़ का आप वैल्यू समझते जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है वो एक चीज़ को बताते बताते आपको चार पांच चीज़ एक्स्ट्रा नया मिल जाता है। अब कैलिब्रेट क्या होता है, कैलिब्रेट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कैलिब्रेट तो वैसे मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए। कैलिब्रेट क्या होता है, कोई निश्चित चीज़ है, निश्चित चीज़ को हमको पता करने के लिए हम फिर से उसको दोबारा टेस्ट करते हैं कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ए एस टी एम में को मेरे को सही करने के लिए मेरे आप चेक कर सकते हो ए एस टी एम में जाके। मैं रूल बताया हूँ, जो जो मैं बात बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, इस चीज़ को जाके आप ASTM D65 और क्या हो जाएगा हमारे पास 5865 में आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें ये वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार एक चलती फिरती भाषा में गांव में जनरली पहले जमाने में आप सोचिए किलो बाट होता था। जनरली क्या होता था, किलो बाट से हम देखते थे कि 2 किलो का बाट है 1 किलो का बाट है, उसमें देखते थे, उसमें लिखा रहता था, उससे हम कंपेयर कर पाते थे कि 2 किलो है। अब वो 2 किलो है कि नहीं है, आपको कंपेयर करने के लिए आपको लैब में ले जाना होगा, उसको फिर देखना होगा, उसको आपके पास जो कैलिब्रेटेड रहेगा NABL का जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसमें आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो 2 किलो है कि 1 किलो है। 1 किलो वाले जैसे मैं बाट लिया हूँ तो उसमें जब मेरा मशीन जो कैलिब्रेटेड है उससे मैं वेट करके देखता हूँ तो उसमें क्या होता है, उसमें 0.999 क्या होता है ग्राम आता है, मतलब 0.999 ग्राम आता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, लेकिन वो उतना नहीं रहता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस का 2 चलता है, राइट। अगर वो 98 आता तो भी उसको हमको 1 kg मानना था, तो वो सही है। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं उसका कैलिब्रेट करते हैं। ठीक, कितना दिन में करते हैं, तो लगभग हर 3 महीने में हर चीज़ का हम कैलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे डिजिटल वेट मशीन लिए हैं उसका भी हमको करना होता है, राइट। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, एक कैलिब्रेशन उसका खत्म हो गया पार्ट, अब स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, जब कैलिब्रेशन में मैंने सर्टिफाइड मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ ये कैलिब्रेट है, ये मशीन जो हम बाट लिए हैं 1 किलो का है, या आप अपने द्वारा चेक कर लिए ASTM में जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ, मतलब दोनों सही हैं, आपको ये मालूम हो गया। तो अब मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ, ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन करता हूँ। तो स्टैंडर्डाइजेशन में मेरे को क्या चाहिए, जो जैसे मैं बेंजोइक एसिड लेता हूँ, बेंजोइक एसिड का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, 63:18 ± 19। ठीक है, C6H5COH, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड, इसका वैल्यू कितना रहता है, 63:18 ± 19 किलोग्राम। ठीक, इसका वैल्यू इतना रहता है जब स्टैंडराइज करते हैं, मतलब हमको प्री वेट मालूम है, हमको इसका वैल्यू मालूम है, तो हम क्या करते हैं इसको कैलिब्रेट स्टैंडराइज करते हैं, इसको डालते हैं मशीन में, तो डालते हैं तो अगर इतना मेरे को वैल्यू मिल गया मतलब वो सही है। ठीक है, और फिर इसको मैं दोनों बम के लिए अप्लाई करूंगा, ये बम हो गया एक में फिर दूसरा में अप्लाई करूंगा, राइट। तो ये दोनों अगर इतना वैल्यू आ गया, स्टेराइज का मतलब हमको क्या करना है, जब तक वो वैल्यू हमको नॉन वैल्यू, आप केमिस्ट्री लैब में कभी कभी गए हैं तो ट्राइटेशन के लिए आपको एक अननोन मिलता था। नोन क्या होता था, जो पहले से गिवन होता है, पहले से निकाला होता है, अननोन जिसका हमको निकालना है। यहाँ पे अननोन क्या है आप समझिए, कोयला है, कोयला, और नोन क्या है हमारे पास, बेंजोइक एसिड। आप अपने आप को एज्यूम करिए आप केमिस्ट्री लैब में हैं, केमिस्ट्री लैब में ही आप अपने आप को एज्यूम करके, आपको टाइट्रेशन के लिए आपको एग्जाम चल रहा है, तो टाइट्रेशन के लिए आपको दो चीज़ मिला है, एक आपको नोन सॉल्यूशन एक अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन आपके पास कोयला है, नोन सॉल्यूशन आपके पास बेंजोइक एसिड है जिसका वैल्यू आपको मालूम है 63:18 ± 19। प्लस माइनस का 19 क्यों लिखा हूँ, या तो 19 कम हो सकता है या तो 19 ज्यादा हो सकता है, इसको आपको याद रखना है, राइट। अननोन सैंपल क्या है, आपके पास कोल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास कैलिब्रेशन और क्या हो गया, हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन, दो चीज हो गया। तो अपन को डिटर्मिनेशन में क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन में रखना है, पहले हमको क्या करना है स्टैंडर्डाइजेशन में करना है, राइट। उसके बाद हमको क्या करना है, ये हो गया, उसके बाद यहाँ से बम निकालना है। ठीक है, यहाँ बकेट में पहले से बम रखा होता है, या फिर आप बाहर भी रख सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, बकेट रहता है, बकेट के अंदर आपको बम रखना है। तो बम कैसे रहता है आप देख लीजिए, पहले ये इस प्रकार से आपको बम देखने को मिलेगा, ये क्या रहेगा, पूरा एक बम रहेगा यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, फायर वाल रहता है, फायर क्या रहता है, फायर ट्यूब डालते हैं, ये एक अलग से रहता है, ये ऑक्सीजन इसमें फिल करते हैं।
ठीक है, ये आप बाहर से आप देखोगे तो बम ऐसा दिखता है, ठीक, लेकिन ये बम केवल क्या है, बम कवर है, बम इसके अंदर है, बम हेड। आप जनरली पिक्चरों में देखे होंगे क्या होता है, जनरली ऐसे तोड़ते हैं मुंह से फिर बम को फेंकते हैं, सेम वैसे ये क्या है, लीड है, बम तो अंदर है, बम अंदर है, ठीक है। जब इसको मैं खोलूंगा, जब खोलूंगा तो अंदर से क्या निकलेगा, बम हेड निकलेगा। ये बाहर का स्ट्रक्चर है, ये अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार हमारे ये शरीर के अंदर हमारे पास अंदर में दिमाग है, कुछ कुछ पोर्शन है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको जब हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं उस टाइम हमको दिखाई देता है, राइट। उसी प्रकार ये बम है, बम को जब हम क्या करेंगे, खोलेंगे, तब इसमें क्या दिखाई देगा, बम हेड। ये देखो ये क्या होता है, ये पूरा बम है, जब इसको मैं खोला तो ये क्या हो गया, बम हेड मेरे को मिल गया, ठीक है। जब इसको खोलने के बाद अब ये क्या है, इसी से हमको क्या करना है, मेन असेंबल करना है, राइट। इसमें देखो अब इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देख लो, क्योंकि आपको हर चीज जानना जरूरी है। आप एक नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज जानने को मिलेगा, राइट। एक भी चीज कुछ भी आपको स्किप करने को नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है एक लंबा लाइन, यहाँ पे एक गोला सा, ये क्या है, क्रूसिबल होल्डर है। क्रूसिबल वो होल्ड करके रखता है, याद रखिएगा, क्रूसिबल को क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, क्रूसिबल होल्ड, ठीक है। ये दो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लोहे का दिख रहा है, लोहे का रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, याद रखिएगा। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। आप एक को क्या मान सकते हो, पॉजिटिव, एक को निगेटिव मान सकते हो। इसमें लिखा नहीं रहता है बट ये वर्क करेगा वैसे ही। इलेक्ट्रोड है तो प्लस और माइनस होगा ही होगा, राइट। ये क्या है, एक प्लस है, एक माइनस है। इसी में आपको इग्निशियन वायर, यहाँ पे देखिए इग्निशियन वायर आप यूज किए हैं, तो इग्निशियन वायर को आपको यही यूज करना है, याद रखिएगा, इग्निशियन वायर यहाँ पे यूज कर लिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड को आप जोड़ रहे हो, ठीक है, प्लस को माइनस को दोनों को किसके माध्यम से जोड़ रहे हो, तो इग्निशियन वायर के थ्रू, राइट। अब उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, कॉटन थ्रेड है हमारे पास, तो इस कॉटन थ्रेड को क्या करते हैं, बांधते हैं और यहाँ पे सिंपल में डिप करते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, बम प्रिपेयर हो गया। हमको बम प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, बम हेड को प्रिपेयर करना है, बम को प्रिपेयर नहीं करना है, बम हेड को प्रिपेयर करना है, राइट। इसको आपको याद रखना है, जब बम हेड प्रिपेयर हो गया फिर से इसको क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, अच्छे से कस देते हैं, टाइट करते हैं, ठीक। अगर आपको इसमें 1 ml पानी डालना है तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारे पास लीड है, सिंपल डाल दिए। अभी मैं फिर से बताऊंगा, अभी ये केवल बम प्रिपेयर करना बता रहा हूँ, ठीक। बम प्रिपेयर कर दिए, ये बम है, ये बम हेड है, याद रखिएगा, बम हेड, समझ गए, ये क्या होता है, बम हेड है, ठीक। ये पूरा क्या है, बम, इसको कवर भी बोल सकते हो, बम कवर बोल सकते हो या बम सिलेंडर बोल सकते हो, ये मेन काम करता है, ये तो उसका सुरक्षा प्रदान करता है, राइट। ये हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर से भरते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, बाहर से जो हम चालू किए थे, यहाँ पे देखो मशीन हम क्या किए हैं, ऑक्सीजन के यूज करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चालू किए थे, 450 PIS में हम प्रेशर में हम चालू किए थे, उसी को हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या रहता है, एक यहाँ पे ट्यूब रहता है, ठीक है, कनेक्टर रहता है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस जैसे रहे वो क्या होता है, सिर्फ डालोगे तो उसमें कनेक्ट हो जाता है। फिर आपको डिस्प्ले में जाना है, यहाँ डिस्प्ले में क्या रहेगा, O2 फिल लिखा रहेगा, O2 फिल, ठीक, O2 फिल लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे O2 को फिल करके ओके कर देना है, राइट। फिल कितना टाइम के करना है, 50 से 60 सेकेंड तक, याद रखिएगा, ऑक्सीजन को 50 से 60 सेकेंड तक की आपको फिल करना है, राइट। ऑक्सीजन को कितना करना है, फिल 50 से 60 सेकेंड तक की, ठीक। जब फिल कर लिए, फिल करने के बाद क्या करते हो, इसको कनेक्टर को हटा दो, हटाने के बाद क्या करते हो, ये बम आपका प्रिपेयर हो गया, राइट, उसको छोड़ दो। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास बकेट होता है, बकेट को आप बाल्टी से याद करिए, बकेट का स्ट्रक्चर भी कैसे दिखता है, बाल्टी जैसा, घरों में आप क्या बोल सकते हो इसको, बकेट, ये क्या है बताइए, बकेट ही है, ठीक है। ये बकेट का यूज हम किस लिए करते हैं, इसीलिए हमको क्या करना है, 2000 ml प्लस माइनस 0.5 ml पानी उसमें डालना है, राइट। हमने क्या बोला है, 2000, याद रखिएगा, 2000 ml प्लस माइनस का 0.5 ml इसमें वाटर डालना है, ठीक। अब या तो इसको आप कन्वर्ट कर लो लीटर में, 1000 लीटर बराबर, 1000 ml बराबर कितना होता है, 1 लीटर, 2000 ml बराबर 2 लीटर, तो हमको कितना बोल रहा है, 2 लीटर बोल रहा है, देखा जाए तो, ठीक है, घुमा फिरा हमको वो अलग कर रहा है कि 2000 ना बोल के, ठीक है, 2 लीटर ना बोल के 2000 बोल रहा है,
आपको समझना है कि 2 लीटर भरना है पानी, राइट। अब इसको ऐसे नहीं भरना है, आपको इसका मास को एकदम एक्चुअल में याद रख के ही भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है, वेट करना है, एम्प्टी वेट लेना है। फिर इसमें लीटर का आपको डिजिटल मशीन में सब कुछ मिल जाएगा, उसमें आपको 2 लीटर इसमें फिक्स पानी भरना है, राइट। पानी भर दिए, पानी भरने के बाद इसको इसमें डीप करना है। डीप करने से पहले ये फायर ट्यूब है, इसमें क्या करना है, फायर ट्यूब को कनेक्ट करना है। फायर ट्यूब को कनेक्ट करने के बाद इसमें एक होल्डर रहता है इसको पकड़ने के लिए, यहाँ से थोड़ा सा होल्डर, तो दोनों को फंसाओ और पकड़ो और इसमें क्या करना है, डालना है। फिर होल्डर को आराम से छोड़ना है, फिर इस मशीन में आपको क्या करना है, असेंबल करना है, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा बम कैलोमीटर का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं, फिर इसका प्रिंट निकालते हैं, राइट। ये हमारा पूरा टोटल प्रोसीजर क्या हो गया मशीन का। एक्चुअल में क्या करना है आपको, यही सब क्या है, रूल को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। हमें सीख गए हैं तो अब हम क्या करते हैं, उसका सिंपल एनालिसिस करना ही स्टार्ट करते हैं, राइट। ये पूरा पार का स्ट्रक्चर है, आपको बस इतना ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। ये हर सैंपल में वैसे आपको अप्लाई करना है। अब हम शुरू से बताते हैं, राइट, शुरू से आपको सिंपल कैसे लगाना है, राइट। पूरा मशीन सब ऑन कर लिए, इतना इक्विपमेंट आपके पास है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका हर मॉर्निंग में जितना आप जाओगे, हर मॉर्निंग आपको क्या करना होगा, स्टैंडराइज करना होगा। सिंपल का स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उस टेम्पल उस क्या आना है, उसमें बम का आना चाहिए, राइट। 2 बम होता है हमारे पास, हमारे पास कितना है, 2 बम है, ठीक, एक एंड दो। आप 2 नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी दे सकते हो, सी डी दे सकते हो, 1 2 दे सकते हो, कुछ भी आपके ऊपर है, आप जो इच्छा है, आपको जो पसंद है वो दे सकते हो, राइट। आर एस दे सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, आपको पहचानने के लिए है, राइट। बट मशीन केवल 1 और 2 जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में लेता है वैसे लेगा वो, राइट। फिर क्या करना है आपको, बम है, बम को अर्ली मॉर्निंग, एक दिन में केवल एक, 24 घंटे में केवल एक बार कर लो, फिर 24 घंटा तक इसका आप एनालिसिस कर सकते हो, राइट। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों बम का क्या करना है आपको, स्टैंडर्डाइजेशन करना है। किसमें करना है, तो C6H5COOH, इसका नाम क्या है, तो बेंजोइक एसिड। आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, 63 18 ± 19, याद रखिएगा। जो बेंजोइक एसिड यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, इसका है +63 18 + 19 किलो कैलोरीफिक पर ग्राम, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना है। फुल फॉर्म होता क्या है, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, उसका यूनिट क्या होता है, किलो कैलोरीफिक प्रति ग्राम, इसको याद रखना है। ये सब क्या होता है, एक छोटा छोटा ट्रिक होता है, जिससे आप कहीं इंटरव्यू जा रहे हो, या कहीं आप नोट्स बना रहे हो, या आप रिजल्ट तैयार कर रहे हो, उस टाइम आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। अब स्टैंडराइज कैसे करना है, स्टैंडराइज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बम निकालना होगा, राइट। बम को क्या करते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले क्या हो गया, एक बम हो गया, ठीक, ये बम हो गया। बम को अब क्या करना है, आपको ओपन करना है। ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, बम हेड मिलता है, राइट। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये 2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। मैं बम को क्या किया हूँ, ओपन किया हूँ, तो मेरे को बम हेड मिला है, राइट। बम हेड मिला है तो यहाँ पे इग्निशियन वायर जोड़ना है। इग्निशियन वायर अलग अलग प्रकार के रहता है, एकदम एक फाइन रहता है, जिसको हर सिंपल में बदलना है आपका, उसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, राइट। और ये हमारे पास क्या है, क्रूसिबल होल्डर है। फिर दोनों में हम कार्बन थ्रेड बांध दिए। बांधने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो इसको टेबलेट के फॉर्म में लेना है, आपको टेबलेट के फॉर्म में बेंजोइक एसिड को लेना है, याद रखिएगा, टेबलेट के फॉर्म में आपको बेंजोइक एसिड लेना है, इसको कन्फर्म याद रखिए, राइट। अब कैसे लेना है, यहाँ बीच में हम ले लिए इसको, सबसे पहले आपको वेट लेना है, वेट, ताकि आपको क्या करना होगा, जब इंटर करना होगा तो डालना होगा। वेट ले लिए बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का वेट मान लो मैं कितना मान लिया हूँ, 1 ग्राम, 1 ग्राम हुआ है, समझ लो जो बेंजोइक एसिड बना है वो 1 ग्राम, 1 ग्राम ना होकर 0.0099 आ जाएगा, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली 9A1 लिया हूँ, ठीक। ले लिया, इसका वेट लिखा हूँ, फिर इसको क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले इग्निशन वायर बांधा, फिर कॉटन थ्रेड, फिर इसमें सिंपल को क्रूसिबल के साथ मैं डाल दिया, ठीक। अब क्रूसिबल के साथ डाल दिया तो फिर क्या करता हूँ, इसका काम हो गया। फिर इसमें क्या करता हूँ, असेंबल करता हूँ, फिर से ये रिटर्न ले आओ, रिटर्न ले आया मैं,
बम को अच्छे से कसा, कसने के बाद ये फायर ट्यूब को थोड़ा सा अच्छे से टाइट किया ताकि उसमें से गैस लीकेज ना हो, गैस लीकेज हो ना हो करके आप इसमें से थोड़ा सा लेप लगा के आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा जब गैस भरोगे तो। और ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से मैं चालू करके रखा हूँ, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को फिर कनेक्टर के द्वारा क्या कर दो, आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद आपको 50 से 60 मिनट तक, सेकेंड तक, सॉरी सेकेंड तक के आपको ऑक्सीजन फिल करना है। इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डिस्प्ले दिखते रहेगा आपको, यहाँ पे मैं डिस्प्ले बना दिया रहता हूँ, ये डिस्प्ले में आपको O2 फिल लिखा रहेगा, इसमें जाके आपको क्लिक करना है, तो यहीं पे टाइम दिखाने लगेगा, आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे टाइम दिखाने लगेगा मिनट सेकेंड में कुछ भी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 60 सेकेंड तक के आपको इसमें फिल करना है ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन जब फिल कर लेते हो उसके बाद क्या हो गया, एकदम टाइट कर दो, फिर कनेक्टर को हटा दो, हटाने के बाद हमारे पास बम तैयार हो गया, राइट। अब बम तैयार हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्या किस में डालते हैं, इसको हम एक फायर, हमारे पास ट्यूब रहता है, फायर ट्यूब को इसमें जोड़ते हैं, ताकि क्या करेगा वो फायर वहीं से करेगा ना, फायर करेगा, फिर क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्या रहता है, एक बकेट रहता है, ठीक, बकेट रहता है, बकेट में हमको क्या करना है, 2 लीटर पानी भरना है। अगर यही हमारे पास, ये कब करना है आपको, तभी करना है जब आपके पास वाटर हैंडलिंग सिस्टम नहीं है, अगर वाटर हैंडलिंग सिस्टम है तो ऑटोमेटिक ये भर लेगा, राइट। अगर नहीं है तो आपको बाल्टी को उठाना है, उठा के आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आपको भरना है, फिर इसमें रखना है, राइट। अगर आपके पास वाटर हैंडलिंग सिस्टम नहीं है तब की बात है, अगर है तो कोई बात नहीं, ये भर लेगा, राइट। भरने के बाद क्या करते हैं, इसमें डाल दिए, सिंपल को आपको क्या करना है, हैंडल के साथ डालना है, क्योंकि ये बहुत कास्टली होता है, आपको ये सबसे ज़्यादा याद रखना है कि ये बहुत कास्टली होता है, पूरा पार मशीन 70 से 80 लाख का है, ये खाली छोटा सा बम हिट जो दिख रहा है ये 2 लाख का है, इसीलिए आपको इसको केयरफुली यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ये 2 लाख का है, याद रखिएगा कि जितना ये दिख रहा है ना ये 2 लाख का है, ठीक, इसीलिए आपको इसको केयरफुली यूज करना है। आप आराम से होल्डर से उठाए, होल्डर से उठा के इसको इसमें डिप कर दिए। अब डीप किस में करना है, आपके पास ये पार मशीन है, ठीक है, पार मशीन में ये दिखा रहता है, लेकिन ये इस बाल्टी को किस में डालना है, 3 डॉट दिख रहा है आपको, 3 डॉट दिखेगा उसी में आपको रखना है, ठीक है। कुछ भी क्या रहता है, जैसे हम कुछ भी डालते हैं तो कोई खांचा रहता है यार, वो नहीं रहता है फिक्स, उसमें जाके बैठता है, अच्छा ये ऐसा करके, जैसे चूड़ी रहता है, कुछ भी क्या करते हैं, कोई नट को लगाते हैं तो एक इंडिविजुअल उसमें जाके बैठ जाता है, वैसे हमारे पास इस बाल्टी को रखने के लिए, बकेट को रखने के लिए हमारे पास 3 डॉट रहेगा, 3 उभरा उभरा रहेगा उसमें आपको रखना है, ताकि इधर उधर ना हो जब बम फायर होगा तो, राइट। ये जब इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा जाके बैठ जाता है एक हिसाब से, मतलब वो स्टेबल हो जाता है, ठीक, स्टेबल हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये नीचे रहेगा एक्चुअल में, ठीक है, फिर नीचे हो जाएगा, और उसके बाद हम इस बम को इसमें क्या कर देते हैं, डीप कर देते हैं, डीप करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारे पास वो बकेट था ही है, अब ये क्लोजर रहता है, या वो क्या पता है, कवर, किसका, तो कवर को खोले हैं पार का, तो कवर, कवर को क्या कर देंगे, ढक देंगे। अब ढकने के बाद डिस्प्ले में आते हैं, यहाँ का काम खत्म, डिस्प्ले में आते हैं तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन मोड को हटा के स्टैंडर्डाइजेशन मोड, यहाँ पे आपको ऑपरेशन मोड पूछेगा, ऑपरेशन मोड में आपका क्या रहेगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन, फिर हो गया बम नंबर पूछेगा, फिर बम नंबर मान लो 1, ये काम खत्म, आपका डिस्प्ले में काम होगा, डिस्प्ले में पूछेगा, वो डिस्प्ले में पूछेगा, सबसे पहले डिटर्मिनेशन मोड को आप स्टैंडर्डाइजेशन मोड कर दीजिए, फिर स्टार्ट करना है आपको, ये कर दोगे तो आपके पास स्टार्ट बटन आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले में सबसे होता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन आ गया तो इसमें से आपको अप्लाई करना है। अब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपके पास सिंपल आईडी नहीं होता है, इसके लिए क्या करना है आपको, वो पूछेगा मैं सिंपल आईडी जनरेट करूँ क्या, सिस्टम ही पूछेगा, तो बोलना है यस, वो अपने हिसाब से कुछ भी दे देगा, हो सकता है राम से राम नाम कुछ भी दे देगा, उसके बाद आपको उसको नोट करना है, और उसके बाद क्या करना है, वो पूछेगा फिर बम नंबर, बम मैंने बताया था 2 यूज करना है, तो बम 1 यूज कर रहे हो कि 2, आपको लिखा रहेगा उसमें, तो आप उसमें डाल दीजिएगा, चाहे 1 करिए चाहे 2, मैं यहाँ पे 1 डाल दिया हूँ क्योंकि मैं 1 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, राइट। उसके बाद क्या होता है, आपको सिंपल का वेट डालना है, सिंपल का वेट मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था 1 ग्राम, सिंपल का वेट मैंने कितना लिया हूँ, 1 ग्राम लिया हूँ, राइट। उसके बाद सिंपल का वेट ले लिए, वेट लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें ऐड कर दिए, ठीक, उसके बाद क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इतना मैं डाल दिया इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन डालने के बाद क्या होता है, लगभग पार मशीन अपने क्या करता है, प्रॉमिस करता है 15 मिनट में मैं सिंपल एनालिसिस करके दे दूंगा, बट वो हो जाता है 10 मिनट में उससे पहले ही। अब ये एक लाइन चलती रहेगा यहीं पे डिस्प्ले के नीचे में, एक ऐसा रेड कलर का, इसमें तीन तीन पीरियड होता है, ठीक है, पहला होता है प्री पोस्ट फिर कूल एंड ड्रिंक्स,
तीन पीरियड होता है, लास्ट में सब सिंपल एनालिसिस हो जाता है, तो आपका बीप का साइंस बन जाता है, बीप करके ऐसा कि हो गया आपको पहचान के लिए। और जब सिंपल स्टार्ट होता है प्री पीरियड, तो भी आपको स्टार्ट का हल्का सा साउंड आता है, ताकि आपको समझ जाना चाहिए कि स्टार्ट हो गया एनालिसिस, राइट। तो आपको दोनों कंडीशन में आवाज़ को सुनते रहना है कि स्टार्ट चालू होने का हुआ है कि बंद होने का हुआ है, राइट। चालू होने का हल्का सा रहता है, बंद होने का बड़ा रहता है, ताकि आपका पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया करके। जब एनालिसिस होता है कंप्लीट, मान लो डिस्प्ले आया, डिस्प्ले आया तो यहाँ पे वैल्यू मान लो कितना आ गया, 63, हम कितना बोले थे, 63-18 बोले थे, मान लो 63 सौ आ गया, 63 सौ आ गया, तब क्या है सही है कि गलत है। हमने बोला था प्लस प्लस माइनस का 19, बट ये तो कितना है, 18 ही कम है, तो ये चलेगा, ठीक। अगर ये नहीं आता तो फिर से यही प्रक्रिया दोहराना पड़ता। आपको स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, आपको जब तक ये वैल्यू नहीं आया तब तक, लेकिन दो ही बार करना है, दो बार में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कैलिब्रेशन करना पड़ेगा इसका। अगर दो बार से ज़्यादा में नहीं आता है तो इसका कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, अगर मैक्सिमम दो बार में तो आ ही जाएगा, ये रहता है। फिर ये एक ही बम का हुआ है, ऐसी सेम प्रक्रिया दूसरे बम के लिए करना है। आपके पास दो बम है, दोनों बम का स्टार्टिंग स्टैंडर्ड वैल्यू लाना पड़ेगा। ये दो बम हो गया, दोनों बम के लिए मान लो मैं इतना वैल्यू आ गया है, राइट। अब मेरे को क्या करना है, जो अननोन सैंपल है जिसके बारे में मैं नहीं जानता कुछ भी, उसको हमको क्या करना है, अब यूज करना है, राइट। अब यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करना होगा, सबसे पहले हम सिंपल को इसको क्या करते हैं, बम को निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसके बाहर निकालेंगे। अब जैसा जैसा आप डाले थे वैसे सेम बाहर निकालना है, लीड को पहले निकालना है, फायर लिट को, इसी का बता देते हैं फिर हम आपको सिंपल बताएंगे। फायर लिट को निकालें, अगर बकेट को आप हैंडलिंग है तो निकालिए, अगर नहीं है तो मत निकालिए। बाकी वाटर हैंडलिंग को आप ये बकेट को पूरा बाहर निकाल सकते हो, निकाल के पूरा पानी को फेंकना है, ठीक है। फेंकने के बाद आपको एक होल्डर में ही आपको बम को उठाना है, रखना है, रखने के बाद खोलना है फिर बम हेड को ये देखेंगे, ये पूरा जल गया रहेगा, ये टूट गया रहेगा, तो ये क्या करना है, इसको सबको अलग अलग करना है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए, जो हमारे पास इसको जला रहे हैं उसी का तो एनर्जी हमको दे रहा है ना, जो कैलोरीफिक वैल्यू हमको किससे मिल रहा है, ये जल रहा है तभी तो मिल रहा है। अब जल रहा है देखो, कॉटन थ्रेड लगाए थे वो भी जल गया, इग्निशन वायर वो भी जल गया, उसका भी तो कुछ हीट होगा, जरूर होगा, तो उसको क्या करना है, अपन को माइनस करना है। माइनस एक्चुअल वो रहता है, उसको आपको इसका हम निकाल के रखते हैं, उसमें हमको क्या करना है, उसमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा एक्चुअल रिजल्ट रहेगा, राइट। तो हमको क्या करना है, इसको सब इलेक्ट्रोड को अच्छे से सूखे कपड़े में इसको साफ करना है, राइट। साफ करने के बाद क्या करते हैं, फिर से इसको क्या करते हैं, इसको बम हेड स्टैंड में रखते हैं। बम हेड स्टैंड कैसे रहेगा, क्योंकि ये 2 लाख का है भाई, तो इसको आराम से रखना पड़ेगा, ये बम हेड है, इसमें से आपको लटका के रखना पड़ेगा, राइट। ये बम हेड रहता है, आपको एनालिसिस के बाद आपको ऐसे इसको रखना है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों बम का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अब इसमें हम सिंपल लगा के आपको एक बता देते हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल लेते हैं, ठीक। सिंपल का वेट ले लिए मान लो 1 ग्राम, जो कोल सैंपल है, जिस जो अननोन है, जिसका वैल्यू हमको पता करना है, उसको हमको क्या करना है, अननोन है, उसका हम 1 ग्राम लेते हैं, वेट ले लिए। वेट लेने के बाद क्या करते हैं, इस क्रूसिबल में डालते हैं, क्रूसिबल होल्डर है ना, ये क्रूसिबल में ही हम लिए हैं। सबसे पहले सैंपल आपको किस में लेना है, याद रखिए क्रूसिबल में लेना है सैंपल, क्रूसिबल में ही लेना है। 1 ग्राम ले लिए, 1 ग्राम लेने के बाद यहाँ रख दिए, इग्निशन वायर दोनों इलेक्ट्रोड में जोड़ दिए, इलेक्ट्रोड प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, प्लस माइनस है। इसमें हम इग्निशन वायर जोड़ दिए, फिर कॉटन थ्रेड जोड़ दिए, कॉटन थ्रेड को गठान ऐसा बांधना है, ठीक है, आप समझ जाइए, ठीक हो गया। उसके बाद ये बम असेंबल हो गया, एकदम सावधानी से करना है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा। एक सैंपल दो सैंपल करोगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, इसको असेंबल इसमें कर देते हैं, फिर से इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन फिल करते हैं। ऑक्सीजन कितना समय तक फिल करना है, 50 से 60 सेकंड तक। फिर इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन जब फिल हो गया, फिल होने के बाद क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, और इसके जो फायर ट्यूब है, ठीक है, फायर ट्यूब को इसको जोड़ना है, और फिर इसमें 2 लीटर पानी बाहर से भरना है। याद रखिएगा, ये मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है, दोनों चीज है, मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक, मशीन मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक, याद रखिएगा। तो इसमें 2 लीटर पानी भर दिए, पानी का वेट कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, इसका मास को कम नहीं करना है हमको। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ISTM D5865, उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, याद रखिएगा, ठीक। ये हो गया, इसमें डाल दिए बकेट में, डालने के बाद क्या करते हैं, इसमें बम को डीप कर दिए, डीप करने के बाद जो हमारे पास कवर है, कवर को ओपन करने हैं, फिर उस कवर को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हमारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास थोड़ा डिटर्मिनेशन मोड में, अब देखो
ये आपके पास ये मोड बार बार पूछेगा। ऑपरेशन मोड में आपको जाना है तो ऑपरेशन मोड में आपको क्या मिलेगा, अब स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गया, अब डिटरमिनेशन में करना है। सिंपल एनालिसिस हमेशा डिटरमिनेशन में होता है और एक डायनेमिक प्रोसेस होता है इसका, डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जब हो जाएगा तो आपसे स्टार्ट बटन आएगा। स्टार्ट बटन आएगा तो आपको क्या क्या पूछेगा, स्टार्ट बटन में इस बार आपको उस सैंपल का आईडी मालूम है, मान लो मेरे को उस सैंपल का आईडी मालूम है, क्या है मान लो वो सीजी का है, तो सीजी डाल दो। अलग अलग कोड रहता है उसमें, जो आपके मशीन में जो कोड अप्लाई होगा वही कोड आपको डालना है मान लो, ठीक है। मान लो मेरे नाम से कोड है तो मैं अपना कोड डाल दिया वहाँ पे, आपको वो नोन रहेगा। जो सैंपल आप भाई सैंपल का नाम तो जानते रहोगे ना कि किसका एनालिसिस कर रहे हो, उस सैंपल का एनालिसिस आपको उस सैंपल का आईडी डालना है, उसका नाम डालना है, कहने का मतलब, ठीक है। उस सैंपल का, जिस सैंपल का आप करोगे तो उसका नाम तो आपको मालूम होगा, तो उस सैंपल का नाम डालना है। फिर आपको बम नंबर डालना है, हमारे पास दो बम है तो बम एक हो गया, फिर बम दो हो गया कि कौन सा बम यूज कर रहे हो, तो बम वन है, फिर ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो सिंपल वेट पूछेगा, सिंपल वेट कितना लिए हो वो बताना है आपको, सिंपल वेट मालूम है 1 ग्राम लिया हूँ वो बताना है, फिर ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसा पट्टी दिखने लगेगा, ठीक है। वो रेड कलर का रहेगा, टाइमिंग दिखाते रहेगा, इसमें 15 लिखा है पहले में, ठीक है। 15 से ये वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होते जाएगा। पहला उसका 3 पीरियड रहेगा, प्री पोस्ट और कूल एंड रिंग्स, इतना इसका 3 पीरियड होता है, राइट। फिर क्या होता है, ये थोड़ा सा स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा आवाज़ करता है, पोस्ट इसका चेंज होता है, मतलब इसका क्या पीरियड चेंज होता है, थोड़ा सा साउंड करता है, लास्ट में ज़्यादा साउंड करता है। और आपके पास एक इसमें क्या होता है, ब्लास्टिंग का थोड़ा सा बीप करके थोड़ा सा आता है आवाज़, थोड़ा सा, ठीक है, फायर होता है उस टाइम, उसका आवाज़ आता है, ताकि आप समझ जाओ कि हाँ बम फायर हो गया। तब आपको क्या करना है, उसको देखना है, उसमें एसिड करेक्शन होगा। एसिड करेक्शन के बाद क्या होगा, जब ये नीला पट्टी हो जाए, याद रखिएगा ये नीला पट्टी हो जाए तभी आपको बम का कवर को ओपन करना है, याद रखिएगा, जो पार मशीन है उसका कवर को तभी ओपन करना है, ठीक। ये हो गया, उसके बाद आप ओपन किए, ओपन करने के बाद क्या करते हैं, पूरा बकेट को क्या करना है, निकालना है, बाहर रख दिए, पानी को फेंक दिए, फिर आपको बम है, बम को क्या करना है, निकालना है। निकालने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, इसमें से ये कट गया रहेगा, ये भी कट गया रहेगा, केवल क्रूसिबल रहेगा वो जला हुआ रहेगा, उसमें पानी भरा रहेगा, राइट। क्योंकि क्या होता है, फायर होने पर टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो पानी ठंडा करता है, राइट। जो पीछे से हम पानी भरे थे, मशीन के पीछे से पानी भरे थे, वो क्या कर रहा है, ठंडा करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर से आपको वही प्रोसेस करना है लगातार, लेकिन बम को आपको चेंज करना है, बम को चेंज कर करके आपको करना है, राइट। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या चीज, तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, रूल। रूल के बारे में क्या हो जाएगा, हमारे पास ASTM D5865 अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग फॉर मटेरियल D5865 में ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, इसके लिए आपको पैसे देना पड़ेगा तभी आप पढ़ सकते हो, राइट। ये जितना प्रोसीजर बताया वही दिया हुआ है साथ में, ठीक है। और कई ऐसे वर्ड रहेगा जो तो समझ ही नहीं आएगा, फिर भी आपको अगर चाहिए, आपको इच्छा है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर ये इतना सफिशियंट हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो ये हम कुछ देखिए, हमारे को पार मशीन चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ क्या होता है, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हमको गैस के रिक्वायरमेंट होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बता दिए थे, और पार बम का ज़रूरत पड़ेगा। फिर हमारे पास क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, वाटर हैंडलिंग सिस्टम, क्रूसिबल, काटन थ्रेड, इग्निशियन वायर, बेंजोइक एसिड और प्रिंटर, वेट मशीन, ये सब हमारे पास क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो चीज़ हम क्या करते हैं, 2 बार स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, हर 3 महीने में कैलिब्रेशन करते हैं, राइट। उसके बाद हम सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन लगाते हैं, बम वन के लिए, बम टू के लिए वैल्यू आ गया, प्लस माइनस 19 चलता है, ठीक है। उतना में आपको क्या करना है, लगाना है, फिर आपको सिंपल लगाना है, ठीक है। सिंपल लगाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमने बता दिया है बम को क्या करना है, सबसे पहले कोल्ड सैंपल को वेट करना है, वेट करने के बाद क्या करना है, क्रूसिबल होल्डर में रखना है, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करना है, आपस में इग्निशन वायर के थ्रू जोड़ना है, फिर बीच से क्या करना है, कॉटन थ्रेड से इसको डीप करना है, सिंपल को डीप करना है, ताकि दोनों में क्या होगा, दोनों जब साथ होगा तो मिस फायर फायर होगा, फायर होने के बाद क्या होगा, उसमें लगेगा आग, ठीक। तो हो गया, होने के बाद क्या होता है, एक पीरियड रहता है 15 मिनट, जो क्या है, कंपनी प्रॉमिस किया है, बट 10 मिनट में हो जाता है, ठीक। हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस हो गया, फिर उसको प्रिंट करके आपको उसको सबमिट करना है,
ठीक, तो ये पूरा पार मशीन का एक क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। अब इसके लिए आपको प्रिकॉशन क्या क्या रखना है, मेन होता है प्रिकॉशन, क्योंकि क्या होता है ये पार मशीन बहुत ही कॉस्टली है, 70 से 80 लाख का है, इसका जो बम हेड है वही हमारे पास क्या है, 2 लाख का है, तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन रखना कंपलसरी है। प्रिकॉशन क्या क्या है, तो सबसे पहले आप लेब में फायर के लिए कोई भी माचिस या कोई भी आप ऐसा इक्विपमेंट यूज ना करें, एल्कोहलिक ना रहे वहाँ पे, ठीक है। और आपको जब से एनालिसिस हो गया, एनालिसिस के बाद सब सामान को एक जगह में रखना है, जहाँ जो सामान उठाए हो वहाँ उसको रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको गैस सिलेंडर को बंद करना है कंपलसरी, याद रखिए। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी सीप खत्म होने के चक्कर में हम भाग जाते हैं, उस चक्कर में हम क्या छोड़ देते हैं, गैस को भूल जाते हैं, उसको क्या करना है, बंद करना है, मशीन को बंद करना है, ठीक है। और जितना हमारे पास वेस्टेड मटेरियल है सबको हमको क्या करना है, फेंकना है, फेंकने के बाद क्या करना है, रखना है, क्रूसिबल को अच्छे से ढकना है, साफ करके रखना है, बम हेड को बम में डाल के रखना है अच्छे से टाइट करके ताकि वो गिरे ना, ठीक है। और पार मशीन को बंद करना है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको रूम टेम्परेचर देखना है, रूम टेम्परेचर आपको मिनिमम 14 से 15 आपको मेंटेन करना है, किसका है तो मशीन का है, बट आपको 30 डिग्री एटलीस्ट रहना चाहिए, और उसमें टेम्परेचर 25 से लेकर 30 तक रहेगा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी दोनों को आपको नोट करना होगा पर डे, ये इतना आपको काम होना चाहिए, राइट। तो इतना सफिशियंट है PAR62 के लिए। आप कोई भी सैंपल का फिर जैसे भी निकाल सकते हो, एक वीडियो को, इस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे आपको एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, या मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो सेवा, आप मेरा नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।